हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अंडमान ट्रिप्स। और जो ये अंडमान की सीरीज चल रही है गाइस, तो उसमें आज का जो ब्लॉग बनने वाला है वो बनने वाला है चिड़िया टापू बीच, जो कि पोर्ट ब्लेयर में ही है। तो अभी जाने वाले हैं हम वहाँ पे, देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। वैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे ट्रिप कैसे चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। बाकी बने रहिएगा आप हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में, ताकि आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता सकूँ कैसे आप जा सकते हैं और कितना किलोमीटर रहता है। तो गाइस, अगर आप बस से जाना चाहते हो तो अभी हम हैं गोलघर में खड़े। यहाँ का नाम गोलघर है, जैसे चौक है ये। तो यहाँ से मिलेगी हमें चिड़िया टापू जो बीच है वहाँ के लिए बस मिल जाएगी और 1 आवर की जर्नी रहेगी। तो अगर आप लाइक सस्ते और आपको अगर नॉलेज है थोड़ी बहुत ही कि कैसे सोलो एंड फ्रेंड के साथ घूमा जाता है, तो आप भी इस तरीके से घूम सकते हो। बाकी अगर आपको सिर्फ प्लेस देखना है तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पूरा आपको मैं बताऊँगा कि चिड़िया टापू एक्चुअली में क्या है। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि चिड़िया टापू अंडमान द्वीप पे एक पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और ये 28 किलोमीटर दूर है अपने पोर्ट ब्लेयर से। तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली, अब यहाँ से बसेस जाती रहती है, तो आप बस के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और लोकल चीज़ें भी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लोकल में लगी हुई रहती है, लोकल जो वहाँ यहाँ पे लोग रहते हैं वो कैसे हैं देखने में और क्या क्या चीज़ें वो लोग यहाँ पे उगाते हैं, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं जब आप लोकल बसेस में जर्नी करते हो या फिर ऐसे बसेस में जर्नी करते हो। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में बसेस जैसे रुकती रहती है लोकल बसेस, तो आपको एक टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो अगर आप बस के थ्रू जर्नी करते हो, बाकी गाड़ी में भी आते हो तो भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। बट थोड़ी बहुत ही जैसे लोकल जर्नी वाली बसेज होती है उसमें हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि वो काफ़ी जगह पे रुकती है, स्टे बहुत लेती है और काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है आराम से। और बाकी आप देख सकते हैं कैसा है ये सब कुछ। तो अभी हम पहुंच गए हैं बायोलॉजिकल पार्क चिड़िया टापू, ये गेट है और यहाँ से हम चल पड़े हैं। तो मैं और दीपक अभी यहाँ, वैसे यहाँ गाइस गाड़ी मिलती है यहाँ पे, जैसे गोल्फ वाली गाड़ी होती है या फिर दूसरे वो वाली जाती है, बट यहाँ पर जैसे बारिश हुई है तो उसकी वजह से गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि ये रोड जैसे आप देख रहे हैं ये स्लिपरी हुआ हुआ, तो जब स्लिपरी है तो गाड़ी नहीं जाएगी। तो अभी अराउंड ये 1.8 किलोमीटर है पूरा अराउंड चक्कर, तो 1 आवर की जर्नी रहेगी, पैदल पैदल जाएंगे हम। तो देखते हैं कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो एक्साइटेड तो है ही। बाकी आप देखो कैसा नज़ारा है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा होने वाला है। लोटस टैंक, कमल टैंक, ये देख सकते हैं आप। क्या है? हिरन। तो गाइस ये देख सकते हैं आप हिरन, बस इधर लेफ्ट साइड से जाएंगे राइट साइड से वापस। ले,
गाइज ये देख सकते हैं आप नजारे, ये पेड़ है और ये हम है। और इन जंगलों में ना गाइज मगरमच्छ भी होते हैं, तो वैसे दिखेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट अगर नहीं दिखेगा तो फिर भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। गाइज ये बोर्ड देख सकते हो आप, बोर्ड कितने अच्छे अच्छे है ना यहाँ पे लकड़ी के बनाए हुए हैं। अच्छा तभी तो खाने पीने के लिए मना करी भी ना। तो गाइज ये है चिड़िया टापू बायोलॉजिकल पार्क और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है वो आप देख भी सकते हैं, हर तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही ज़बरदस्त देखने में। और बात करें अगर ट्री, बहुत बड़े बड़े ट्रीज है गाइज यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हैं, तो आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। नज़ारा ऐसे चल के देखने में है क्योंकि ग्रीनरी, और ये देखो आप कितनी खूबसूरत है। बाकी तो अगर आप घूमने आए हो तो कोशिश करो कि ज़्यादातर वॉकिंग कर सको, हाँ अगर आप नहीं चल सकते तो वो डिफरेंट चीज़ है, बट अगर आप चल सकते हो तो अच्छा लगता है ऐसी जगह पे ग्रीनरी का एंजॉय करते हैं। पेड़, बड़े बड़े पेड़ है गाइस, इतने बड़े बड़े। तो गाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अगर आप इस पार्क में आते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप इस पार्क में आते हो तो जैसे कि हिरण, मगरमच्छ, मकाक, बंदर और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिलेंगे आपको। और अगर वातावरण की बात करें, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वातावरण है। बाकी पक्षियों की बात करें तो यहाँ पे इसको पक्षी द्वीप भी बोला जाता है और विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और बात करें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है ना गाइस, और शांति, एक साइलेंस बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। इस जगह पे आप ज़रूर आए अगर आप पोर्ट ब्लेयर आ रहे हो। नेचर की बात करें, ज़बरदस्त नेचर मिलेगा आपको, बहुत ही ऐसे रास्ता है, बहुत ही शांत शांत सा, और पेड़ ही पेड़ है दोनों तरफ, काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हैं। तो आप अगर अंडमान आ रहे हो तो इस पार्क में आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छा पार्क है। अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड घूमना चाहते हो, लाइक आपको एक सुकून वाली जगह चाहिए जहाँ पे पक्षी की चीची और थोड़ा बहुत आपको जैसे मगरमच्छ देखने को मिले या बंदर मिले या फिर कुछ और दुर्लभ पक्षी मिले, तो वो सब कुछ होने वाला है आपको इस पार्क के अंदर। तो आप आएँ और आप भी इस पार्क को एंजॉय करें और इस पार्क में जो चीज़ें देखने को मिलेगी शानदार चीज़ें वो आप देखें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इस ब्लॉग से लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और अंडमान के नए प्लेसेस के साथ। एंड बाय बाय, टेक केयर।